चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, और कक्षा 9वीं की हम लोग विज्ञान देख रहे थे यानी कि साइंस। तो इसमें अभी तक हम लोग 12 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 13वें चैप्टर चैप्टर के बारे में, हम बीमार आखिर क्यों होते हैं इसे देखेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक की हम सभी बुक्स कवर करेंगे, जिनमें कक्षा 6वीं से लेकर हम लोग कक्षा 9वीं तक की बुक्स लगभग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। 10, 11, 12 की और बचती हैं, उन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। लेकिन आपसे इतना ही कहूँगा कि समय रहते हुए इन्हें आप लोग पढ़ लें, क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है, समझ में आया? तो इसलिए समय रहते हुए पढ़ लें, और बहुत साधारण शब्दों में लिखी गई है, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई, ऐसा कि आपको एक कहानी का रूप देकर पूरा समझाया गया है, तो आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, एक से दो बार इसे पढ़ ले, उसके बाद फिर आगे टेक्स्ट बुक देखते रहे फिर से। चलिए, तो हम इस अध्याय को भी देख लेते हैं। क्रियाकलाप 13.1 को सबसे पहले देखते हैं। हमने लातूर, भोज, कश्मीर आदि में आए भूकंप अथवा तटवर्ती भागों को प्रभावित करने वाले चक्रवात के विषय में सुना होगा। आप यह कल्पना करें कि इनके जैसी कितनी संभावित आपदाओं से लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होगा यदि ये आसपास घटित हो। इन आपदाओं के वास्तव में घटने के समय हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, आपदा घटित होने के पश्चात कितने समय तक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती रहेंगी। पहली स्थिति, आपदा के समय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरी स्थिति, आपदा के पश्चात स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और आप सुनते भी रहते हैं कि बाढ़ आती है उसके बाद बीमारी छोड़ जाती है, उससे भी बाढ़ से तो प्रभावित हो ही रहे व्यक्ति, लेकिन उससे भी प्रभावित होते हैं उन आने वाली बीमारियों से। तो देखेंगे आखिर क्या क्या ये बीमारियां हैं। इस क्रियाकलाप के दौरान हमें यह अनुभव होता है कि मानव समुदाय में स्वास्थ्य एवं रोग एक जटिल समस्या है, जिसके लिए एक दूसरे से संबंधित अनेक कारक उत्तरदायी हैं। हम यह भी अनुभव करते हैं कि स्वास्थ्य और रोग का अर्थ स्वयं में बहुत जटिल है। जब हम पूछते हैं कि बीमारियों के क्या कारण हैं और इनकी रोकथाम कैसे होगी, तो हमें इन अवधारणाओं के अर्थ जानने होंगे। हम जानते हैं कि कोशिकाएं सजीवों की मौलिक इकाई है। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अथवा लिपिड आदि से बनी होती हैं। कोशिका एक क्रियाशील स्थल है जिसमें अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती हैं। कोशिकाओं में जटिल प्रक्रियाएं एवं कुछ अन्य कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और हमारे अंगों अथवा ऊतकों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, फेफड़े सांस लेते, वृक्क में निस्पंदन द्वारा मूत्र बनना, और मस्तिष्क सोचता है। ये सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। उदाहरण ता यदि वृक्क में निस्पंदन ना हो तो विषैली पदार्थ हमारे शरीर में एकत्रित हो जाएंगे। इस परिस्थिति में मस्तिष्क उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा, यानी कि स्वस्थ नहीं रहोगे तो कहाँ से सोच पाओगे। इस सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा तथा कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, अर्थात कोशिकाएं तथा ऊतक को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं एवं ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, वह हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा। उपयुक्त सभी तत्वों को ध्यान में रखकर हम स्वास्थ्य तथा रोग की अवधारणाओं को समझेंगे। स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य का महत्व क्या है, सार्थकता इसकी क्या है। हम सभी ने स्वास्थ्य शब्द सुना होगा तथा इस शब्द का प्रयोग हम प्रयास करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ये बचपन में आप लोग कुछ ज्यादा ही बहाने बनाते थे कि आज मेरी दादी की स्वास्थ्य यानी कि तबीयत खराब है तो मैं स्कूल नहीं आ पाया। हमारे अध्यापक भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं जब कहते हैं कि आपकी अभिव्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तो इस स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या होता है आखिर। यदि हम इस विषय पर विचार करें तो हम बोध होगा हमें कि इसका अर्थ होता है अच्छा रहने से। क्या होगा, स्वास्थ्य खराब है यानी कि खराब स्थिति है आपकी,
स्वास्थ्य अच्छा है, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। हमें इस अच्छापन का अर्थ प्रभावी कार्य करना सोच सकते हैं। हमारी दादी के लिए बाजार जाना अथवा पास पड़ोस में जाने योग्य होना अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक है। यदि वे करने योग्य नहीं है तो हम कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जब आपकी रुचि कक्षा में पढ़ने की है तो हम कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति ठीक है, और यदि पढ़ने की रुचि नहीं है तो कहते हैं कि अभिवृद्धि स्वस्थ नहीं है। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। अब बात करते हैं व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं, दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और तथा सामाजिक जीवन की क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति है। तो कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं ही पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता है। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके पास पड़ोस अथवा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है। पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। मानव समाज में रहता है, अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हमें गांव, कस्बों अथवा शहरों में रहते हैं, ऐसे स्थानों में हमारे भौतिक पदार्थों का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। सोचिए, कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटान ना करें तो क्या हुआ? सोचिए, यदि नालियों साफ ना हो तो क्या हुआ? यदि काफी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता है अथवा खुले नाली के रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता तो खराब स्वास्थ्य की संभावना बढ़ जाती है। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। यहां समझने की कोशिश करते हैं क्रियाकलाप 13.3, 13.2। मैं बार बार एक ही शब्द बोल चुका हूं कि जो भी क्रियाकलाप आपके दिए गए हैं इन्हें आप लोग केवल पढ़िए और निकल जाइएगा। इनमें ज्यादा दिमाग भी मत लगाना। आप लोग क्या करना है, आपको पढ़ना है 1 से 2 बार और निकल जाइए आराम से। पता करें कि आपके स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत, नगर निगम ने स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए क्या उपाय किए। क्या आपके मोहल्ले में सभी निवासियों को स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है? क्रियाकलाप 13.3, पता करें कि आपका स्थानीय प्राधिकरण आपके मोहल्ले में उत्पन्न कचरे का निपटान कैसे करता है। क्या प्राधिकरण द्वारा किए गए उपाय पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो इसके सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे? आप अपने घर में दैनिक साप्ताहिक उत्पन्न होने वाले कचरे को कम करने के लिए क्या करेंगे? यहां आप देखते हैं 5 FS क्या करना चाहिए। ए, मल पदार्थ और स्वस्थ व्यक्ति। तरल पदार्थ, जल स्रोत को सुरक्षित करें, जल का उपचार व संचय सावधानी से करें। हाथ व उंगलियां, खाना बनाने या खाना से पूर्व हाथ धोएं और मल त्याग के बाद हाथ धोएं। मक्खियों या कीड़े, खाद्य को ढककर रखें, मक्खियों को नियंत्रित करें। खेत व मैदान, उपयोग करने के पूर्व सब्जियां व फल साफ करें, खुले में मल त्याग ना करें। बाढ़, उचित जल निकासी व्यवस्था रखें और जल का उपचार करें। ये आपका स्वच्छता हो गई, सफाई, ठीक है। साफ सफाई एवं स्वच्छता द्वारा रोग संचरण से बचाव, यानी कि रोग से बचा जा सकता है। एक बात तो आप लोग भी स्वीकार करिए कि जब से 2014 से मोदी प्रशासन आया हुआ है, नरेंद्र मोदी प्रशासन, तो काफी बदलाव देखे गए हैं। स्वच्छता एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और सफलता भी रही है। इसका सफलता का श्रेय मैं गवर्नमेंट से ज्यादा उन सभी व्यक्ति को देता हूँ जो इससे जागरूक हुए। आप समझिए कि हर गांव तक नहीं पहुंचा जा सकता था, इसके प्रति आपने देखा है बहुत बड़ी तादाद में जागरूक हुए लोग। और आप जानते हैं कि किसी समस्या या फिर किसी योजना के प्रति व्यक्ति अगर जागरूक हो जाता है तो समस्या को कभी भी खत्म किया जा सकता है। तो एक अच्छा काम था ये। स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें काम करने के अवसर खोजने पड़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से डर हो तो हम प्रसन्न तथा स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। हम इसी प्रकार सोच सकते हैं कि अनेक सामुदायिक समस्याएं हमारे व्यक्तिगत समाज स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त रहने में अंतर क्या है आखिर।
स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने में अंतर। यदि हम इसे स्वास्थ्य समझते हैं तो रोग अथवा व्याधि क्या है? अंग्रेजी का शब्द है डिसबेस, स्वयं को परिभाषित करता है बाधित आराम। रोग का दूसरा अर्थ होता है असुविधा। यद्यपि शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत सीमित है, हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा के विशिष्ट कारण का पता होता है। इसका अर्थ है कि बिल्कुल नहीं। क्या इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम इसका सही तथा अंतिम उत्तर जाने। हम बिना कारण जाने यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रवाहिका से ग्रस्त है। हम यह सरलता से पाते हैं कि बिना किसी विशेष रोग से रोग के भी आप आश्वस्त हो सकते हैं। केवल कोई रोग ना होने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। नर्तक के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह श्रेष्ठतापूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्त कर सके। संगीतकार के लिए इसका अर्थ है कि वह लंबा श्वास ले सके जिससे कि वह अपनी बांसुरी में स्वर को नियंत्रित कर सके। हमें अपने विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम किसी रोग के लक्षणों की अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। यानी कि हमें अगर कोई रोग भी बीमारी नहीं है फिर भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं। यही कारण है कि जब हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं तो हम समाज और समुदाय के विषय में भी सोचने लगते हैं, और रोग के विषय में सोचते समय हम सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं। रोग तथा इसके कारण देखते हैं। रोग किस तरह के दिखाई देते हैं, आओ रोग के विषय में और अधिक सोचें। पहले कि हम कैसे पता लगता है कि हमें कोई रोग है, अर्थात कैसे पता लगता है कि शरीर में कुछ दोष है। हमने छठे अध्याय में पढ़ा है कि हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं। ये ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों और अंग तंत्रों को बनाते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित भी करते हैं। हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष अंग होता है जिसका एक विशेष कार्य भी होता है। जैसे पाचन तंत्र में आमाशय तथा आंत होते हैं जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। पेशियों तथा अस्थियों से बना पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है और शरीर की गति में भी सहायता करता है। जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। ये बदलाव परिवर्तन रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस यानी कि मवाद आना, ये सभी लक्षण हैं। इन लक्षणों में किसी न किसी रोग का पता लगता है, लेकिन इनसे यह नहीं पता चलता है कि कौन सा रोग है। उदाहरण के लिए सिर दर्द का कारण परीक्षा का भय अथवा इसका अर्थ मस्तिष्क का वर्ण शोध होना अथवा दर्जनों विभिन्न बीमारियों में से एक हो सकता है। रोग के चिन्ह वे हैं जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं। लक्षण किसी विशेष अंग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकता है। आप समझिए कि आपका कोरोना महामारी अभी चल रही है, ठीक है। इसे आप सोचिए क्या कहा जाता है कि आपके पास अगर आपको खांसी आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो ये लक्षण बताए जा रहे हैं। और हो सकता है कि आपको ये सब प्रॉब्लम है फिर भी आप कोरोना पॉजिटिव ना पाए जाए, ये भी पूरा चांस रहता है। तो समझ रहे हैं, जब चेक होगा तभी मालूम चलेगा कि आखिर कौन सी बीमारी आपको है। अब बात करते हैं तीव्र प्रचंड तथा दीर्घकालिक रोग बीमारी। रोगों की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर भी करती है। कुछ रोगों की अवधि कम होती है जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं। हम सभी ने अनुभव किया है कि खांसी जुकाम बहुत कम अवधि तक रहते हैं। अन्य ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक अथवा जीवन पर्यंत रहते हैं, ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। इनका एक उदाहरण आप लोग एलिफेंटाइटिस अथवा भील पाव रोग कहते हैं, यह भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत आम बात है। अब बात करते हैं यहाँ क्रियाकलाप 13.4 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न का पता करने के लिए अपने आस पड़ोस का पर्यावलोकन करें। पिछले 3 महीने में कितने लोग तीव्र रोग से ग्रसित हैं? पिछले 3 महीनों में कितने लोग दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हैं? अगर इन्हें आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है। बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ के अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो ठीक है, निकल जाइए, ठीक है।
ज्यादा दिमाग मत खपाइए। फिर आपका दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता, तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों के बारे को कि हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी विभाग के कार्य को प्रभावित करता है तो वह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है। लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है उसे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालने का समय ही नहीं मिलता है। लेकिन दीर्घकालिक जो रोग होता है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए खांसी जुकाम के विषय में सोचो, जो हम सभी को भ्राया होता रहता है। हम में से अधिकांश लगभग एक सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष को प्रभाव भी नहीं पड़ता है। लेकिन हम दीर्घकालिक रोग जैसे फेफड़ों के क्षय रोग, टीबी से संक्रमित हो जाएं तो कई वर्षों के बीमार होने के कारण वजन कम हो जाता है और हर समय थकान महसूस होती रहती है। एक बात यहाँ आप लोगों को और याद रखनी चाहिए, क्या कि एक खांसी के लिए आप लोग अगर इलाज भी करवा लीजिए, कोई भी दवाई ले लीजिए, तब भी ये 6 से 7 दिन में ही ठीक हो जाती है। और वैसे भी आप इलाज ना करवाए तब भी ठीक हो जाती है, ठीक है अपने आप। आपने चेचक के बारे में सुना होगा, चेचक अगर इसे इलाज भी करवा लीजिए तब भी उतने ही दिन में ठीक होती है। और गांव में नहीं आपने देखा होगा कि इसका इलाज करवाया जाता है, बस खाने पीने पर रोक लगा दी जाती है कि तेल मत खाना, ये मत करना वो, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती है। यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते, लेकिन अगर दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं तो हमें स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनाई होगी और हमारे सीखने की क्षमता भी कम हो जाएगी, अर्थात हम काफी समय तक अस्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं रोग के कारण, रोग के क्या कारण है। जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत से स्तर होते हैं। आओ एक उदाहरण लेकर हम लोग देखते हैं। एक कोई छोटा बच्चा पतले दस्त से ग्रस्त है तो हम कह सकते हैं कि इसका संभावित कारण संक्रमण है। क्या है? संक्रमण है। लेकिन अगला प्रश्न उठता है, संक्रमण कहां से आता है आखिर। मान लो कि हमें पता चले लगता है कि संक्रमण दूषित जल पीने से आता है, लेकिन अन्य बच्चों में भी दूषित जल पिया है, तब इसका क्या कारण है? एक बच्चे को ये दस्त लग गया और दूसरे को नहीं। इसका कारण, एक कारण यह हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ ना हो, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा संभव हुआ है। जब यह बच्चा संक्रमण के संपर्क में आता है तो वह बीमार हो जाता है, जबकि अन्य बच्चे नहीं होते। अभी आपने देखा है कोरोना वायरस के चक्कर में कहते हैं कि जो पहले से बीमार है, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता घट चुकी है, उस पर जल्दी हावी होता है, और जिसकी प्रतिरोधक क्षमता तगड़ी है उस पर यह हावी नहीं होता है। आपने अभी सुना भी होगा। तो यही हाल है कि हो सकता है कि जिस बच्चे को इस तरह की संक्रमण हुआ है वो पहले से बीमारी से किसी से पीड़ित हो, इसलिए उस पर जल्दी हावी हो गया और अन्य बच्चे नहीं हो। अब प्रश्न उठता है कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है, स्वस्थ क्यों नहीं है। शायद बच्चे का पोषण ठीक ना हो और वह पर्याप्त भोजन नहीं करता हो, अतः पर्याप्त पोषण का ना होना ये रोग का दूसरा कारण है। बच्चा पर्याप्त पोषण क्यों नहीं पाता? शायद बच्चे के माता पिता गरीब हों। एक सबसे बड़ा कुपोषण का यही मामला रहा है कि गरीबी एक सबसे बड़े कारण, और गरीबी एक समस्या को उत्पन्न नहीं करती, हजार समस्याओं को। मैं हमेशा बोलता आया हूं आप लोगों से कि फिर चाहे मानव जनित आपदा हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, इससे गरीब जो आर्थिक रूप से कमजोर है वही व्यक्ति इससे जूझता है, उसी के सामने प्रॉब्लम खड़ी होती है, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को 3-4 सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए, उसे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे फ्री आकर खाने की भी जरूरत नहीं है उसे, कि सरकारों को फ्री देने की आदत। एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा रोजगार, ये 3 सुविधाएं आप तो कहीं भी उपलब्ध करा दीजिए। अगर आप स्वास्थ्य उसे देंगे वो पढ़ लिख पाएगा, वो पढ़ लिख पाएगा तो अपना रोजगार खुद उत्पन्न कर लेगा, समझ में। आपको उसे फ्री का देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये मामला अलग है, 1947 से ये सभी बातें होती रही आ रही हैं, बस बातें होती रही हैं, अभी भी वही चल रहा है, वही हाल है।
आप चाइना का देख सकते हैं कि हमसे 2 साल बाद, यानी कि हम 1947 में आजाद हो चुके थे और चाइना जाके हुआ है 1949 में। और आप कई मामले में हमसे बेहतर है चाइना, आप खुद देख सकते हैं, जीडीपी का मामला देख लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ की कहीं ना कहीं तो हमारे यहाँ समस्या है, और ये समस्या मुझे लगता है पॉलिटिकल समस्या बनी हुई है। आगे बात करते हैं, यह भी संभव है कि बच्चे में अनुवांशिक भिन्नता हो जो रोग कारक के संपर्क में आने पर पतले दस्त से प्रभावित हो जाता है। केवल अनुवांशिक विभिन्नता अथवा कम पोषण भी बिना रोग कारक के पहले दस्त नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये रोग के कारण में सहभागी बनते हैं। बच्चे के लिए साफ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था? शायद वहां जहां बच्चे का परिवार रहता है वहां खराब लोग सेवाओं के कारण साफ पानी उपलब्ध ना हो। इस प्रकार गरीबी तथा लोक सेवाओं की अनुपलब्धता बच्चे की बीमारी के तीसरे कारण है। अभी भी आप सुनते हैं कुछ भी होता रहा, लेकिन अभी भी मैंने ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र देखे हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, छोड़िए मतलब स्वच्छ पानी भी नहीं मिल सकता है। कोई कहीं कुएं के लिए पानी लेने जा रहा है तो 10 से 15 किलोमीटर दूर दूर से ला रहे हैं लोग, और स्वास्थ्य व्यवस्था की आप कहते हैं कि 2-3 किलोमीटर पर एक अस्पताल होना चाहिए। मैंने देखा है कई जगह से 15-20 किलोमीटर पर एक सरकारी हॉस्पिटल खोला गया है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो झोला छाप हैं कि अगर जिसे मलेरिया भी नहीं हुआ है उसे भी मलेरिया का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो वही डॉक्टर है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार अब स्पष्ट हो गया है कि सभी रोगों के तत्कालीन कारण तथा सहायक कारण होते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बहुत सारे कारण होते हैं। संक्रामक तथा असंक्रामक कारक, हमने देखा है कि जब कभी भी रोग के कारक के विषय में सोचें तो हम लोग स्वास्थ्य एवं समुदाय स्वास्थ्य संबंधी कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम इस विषय में और चर्चा करते हैं, रोग के तत्कालीन कारणों के विषय में सोचना अच्छा है क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। रोग के कारण का एक वर्ग है संक्रमक कारक, जो अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं। वह रोग जिसके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम लोग संक्रमक रोग कहते हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव समुदाय के में फैल सकते हैं और इनके कारण होने पर रोग भी इनके साथ ही फैल जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो संक्रमक कारकों द्वारा नहीं होते हैं, उनके कारण भिन्न होते हैं, लेकिन वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं वे समुदाय में फैल सकते हैं, यद्यपि ये बहुधा आंतरिक एवं असंक्रमक हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रकार के कैंसर अनुवांशिक असमानता के कारक होते हैं, उच्च रक्तचाप का कारण अधिक वजन होना और व्यायाम ना करना है, अतः ऐसी अन्य रोगों के विषय में सोच सकते हैं जो संक्रमक नहीं है। अभी आपने देखा है कुछ ही दिन पहले मैंने आर्टिकल ये भी एक आप लोगों को बताया था, संक्रमक रोग और असंक्रमक रोग के बारे में बताया गया था। संक्रमक रोग का मतलब सीधा सा है कि एक से दूसरे में बहुत जल्दी से फैले। आप समझ सकते हैं कि कैंसर आप दूसरे अगर दूसरे से मिल रहे हैं किसी व्यक्ति से ऐसे जिसमें कैंसर है तो आपके अंदर कैंसर नहीं आ जाएगा, समझ रहे कि आपको तुरंत कैंसर उसके या फिर रक्तचाप इस तरह की कोई अगर बीमारी है तो ये होते हैं असंक्रमक। और संक्रमक आप देखते हैं कि जैसे कोरोना वायरस हो गया, आपका सर्दी जुखाम हो गया, ये सभी संक्रमक में आ जाते हैं। पेप्टिक ब्लड और नोबेल पुरस्कार, कई वर्षों से हम यही सोचते थे कि पेप्टिड ब्लड जो आमाशय तथा ग्रहणी में एसिडिटी संबंधित दर्द तथा रक्तस्राव करता है कारण रहने का सहने का ढंग है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि परेशानी भरे जीवन से आमाशय में एसिड का स्राव होता है जिसके कारण पेप्टिड ब्लड हो जाता है। 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पायलोरी पेप्टिक ब्लड का कारण बनता है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया के रोग विज्ञानी डॉबिन बोरिन, इनका जन्म हुआ था 1937 में, इनने छोटे छोटे वक्ताकार बैक्टीरियाओं को अनेक रोगियों के आमाशय के निचले भाग में देखा था। बैरी मार्शल, इनका जन्म हुआ 1951 में, एक चिकित्सक ने बोरेन की खोज में दिलचस्पी ली
और उन्होंने इन स्रोतों से बैक्टीरिया का संवर्धन करने में सफलता भी प्राप्त की। अपने उपचार के अध्ययन में मार्शल तथा बोरेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक बेड का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरियाओं को आवासीय में मार दिया जाए। मार्शल तथा बोरेन की इस अद्भुत कार्य के लिए विश्व समुदाय आभारी है कि पेप्टिक बेड अब दीर्घकालिक एवं असहाय रोग स्थिति वाला रोग नहीं रहा है, बल्कि कुछ समय की तरह के समय तक पिति जैविक यानी कि एंटीबायोटिक के उपचार से ठीक हो सकता है। क्या हो सकता है? एंटीबायोटिक के उपचार से ठीक किया जा सकता है, यानी कि ये बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझिए कि कोरोना वायरस की कुछ दिन बाद वैक्सीन बन जाए और उसे ठीक हो जाए, ठीक होने लगे और ये इसे ना के बराबर मानने लगे लोग, तो आप क्या कहेंगे कि एक समय बहुत प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद सब सामान्य हो चुका था। जो इसे बनाएगा उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा इतिहास में, समझ रहे हैं? आगे चलते हैं हम लोग। इस खोज के लिए मार्शल और बोरेन साहब को शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के लिए सन 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, यानी कि नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। रोगों के फैलने के तरीके और उनके उपचार की विधियों तथा सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विधियां विभिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ पर यह निर्भर करता है कि इनके तत्कालिक कारण संक्रामक हैं या फिर असंक्रामक। अब बात करते हैं संक्रामक रोगों के बारे में। संक्रामक कारण, हमने देखा है कि सजीव जगत की संपूर्ण विविधता को कुछ ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न जीवों का वर्गीकरण कुछ सामान्य गुणों के आधार पर कर सकते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें से अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कुछ वायरस हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ फंजाई यानी कि कवक हो गए, कुछ एक कोशिक जंतु अथवा प्रोटोजुआ हो गए। कुछ रोग बहुकोशिक जीवों जैसे अनेक प्रकार की कृमि भी इसमें शामिल रहते हैं। वायरस से होने वाला सामान्य रोग जैसे खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स और आप ले सकते हैं कोरोना। कुछ लोग जैसे कि टाइफाइड, बुखार, हैजरा, क्षय रोग, एंथेक्स बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। बहुत से सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार की फंजाई द्वारा होते हैं। प्रोटोजुआ से मलेरिया अथवा कालाजार नामक रोग हो सकते हैं। ये आपके प्रीलिम्स में अधिकतर क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे। वो पता है प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा आपका बायोलॉजी पर ध्यान दिया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। अगर आपके विज्ञान के क्षेत्र में पूछे जाते हैं तो आपके बायोलॉजी से ही पूछे जाएंगे, उससे भी सबसे ज्यादा आपके मानव विज्ञान से संबंधित। आप कृमि संक्रमण से परिचित हैं, इसी प्रकार फील पाव नामक रोग भी आपका कृमि की विभिन्न स्पीशीज द्वारा होता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम संक्रामक कारकों की इन वर्गों के विषय में सोचते हैं? इसका उत्तर यह है कि ये वर्ग उपचार की विधि निर्धारित करते हैं। इन वर्गों के प्रत्येक सदस्यों के जैविक गुणों में समानता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया आदि। उदाहरण के लिए सभी वायरस परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन अत्यंत तेजी से होता है, जबकि तुलनात्मक रूप से कृमि में गुणन मंद यानी कि धीमी गति से होता है। वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं। ऐसा वायरस में भी होता है। इसका अर्थ यह है कि अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में समान होती हैं, लेकिन वायरस वर्ग से भिन्न होती होंगी। इसके परिणाम स्वरूप औषधि जो कि किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती है, तो यह उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव डालेंगे, लेकिन वही औषधि अन्य वर्ग से संबंधित रोगाणुओं पर भी प्रभाव नहीं डालेंगी। हम एंटीबायोटिक का भी उदाहरण ले सकते हैं। ये सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना देते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना पा सकते हैं, वे सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बना सकती हैं, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम
पर नहीं होता है। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिनमें कोशिकाएं भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीसीज को प्रभावित करते हैं, ना कि केवल एक स्पीसीज को। लेकिन वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता है। यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। यदि हम खांसी जुकाम से ग्रस्त हैं तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता और उसकी समय अवधि कम नहीं होती है। यदि वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण होता है तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा। लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर भी उपयोग हुआ ना कि वायरस संक्रमण पर। यहाँ कुछ आपके पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें भी देख लीजिए। इस चित्र को देख रहे होंगे, 13.11 को, या कि संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए सार्स बैक्टीरिया चित्र में तीर द्वारा इंगित किया गया। ए चित्र में सफेद रेखा 500 नैनोमीटर माप को दर्शाती है, जो 1 माइक्रोमीटर का आधा है। 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के 1000 विभाग के बराबर होता है। यह मानचित्र इस बात को दर्शाता है कि हम किसी कितने सूक्ष्म वस्तुओं को देख रहे हैं। सौजन इमर्जिंग इनफेक्शन इस डिजीज CDS यूके का एक जर्नल है। फिर आपका 13.1 भी है, यहाँ आप देख रहे होंगे स्टे फाइलो फाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो मुहासे का कारक है। ऊपर बाईं ओर की रेखा 5 माइक्रोमीटर माप को प्रदर्शित करती है। इसे देखिए 13.1 C प्रोटोजोआ टिप्नोसोमा, वह निंदालु ब्राधी का कारक है। टिप्नोसोमा तो तस्तरी नुमा लाल रक्त कोशिकाओं के साथ प्रदर्शित किया गया है, जिससे आपको उसके आकार का पता चल सके। और कॉपीराइट ओरिगोज हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी USA से ली गई है। ये आप देख रहे होंगे 13.1 D लेस्मानिया कालाजार ब्राधिकारक प्रोटोजुआ या जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक चाबुक नुमा संरचना होती है। विभाजित होते ही जीव को तीर द्वारा दर्शाया गया है। तेरह दशमलव एक ई गोल कृमि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस छोटी आंत में पाया जाता है। 4 सेंटीमीटर के स्केल की माप का एक वयस्क गोल कृमि के आकार के अनुमान के लिए होता है इस तरह। अब बात करते हैं रोग के फैलने के साधन। संक्रमण रोग कैसे फैलते हैं? आखिर बहुत से सूक्ष्म जीवी है कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं, अर्थात वे संचारित हो सकते हैं, अतः इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी रोग भी कहते हैं। ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं। ऐसा तब होता है जब रोगी बहुत छींकता है अथवा खांसी करता है, उस समय छोटे छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं, और जब उसके समीप कोई अन्य व्यक्ति हो, श्वास द्वारा वो ये बूंदें उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, और इनसे सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। वो वायु द्वारा फैलने वाले रोग के उदाहरण है खांसी जुकाम निमोनिया तथा क्षय रोग। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी सर्दी है तो जब भी छींकते हैं या खांसते हैं तो रूमाल लगा लें, इस तरह का कोई उपाय कर लें जिससे दूसरे को ना फैले। हम सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब हम किसी खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हम भी खांसी जुकाम हो जाते हैं। जहां पर अधिक भीड़ होगी वहां पर हवा द्वारा फैलने वाले रोग भी अधिक होंगे। जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं, यह संक्रमणीय रोग यथाहैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं, और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में इस जल को पीता है तो रोगाणु एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, जिससे वह भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाता है। और ऐसे रोग अधिकतर साफ पेयजल न मिलने के कारण फैलते हैं। छोटी 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 बूंदकें वायु के वेग से के साथ मिनटों से घंटों तक वातावरण में प्रभावित होती रहती हैं। लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कुछ सूक्ष्म जीव रोग जैसे सिफिलिस अथवा एड्स एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाते हैं।
यद्यपि ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना अथवा खेल कूद जैसी कुश्ती अथवा और कोई अन्य विधि जिसमें हम सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते नहीं फैलते हैं, ठीक है। एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त का स्थानांतरण द्वारा भी यह संक्रमण होता है, यानी कि ये किसी को HIV वायरस है, ठीक है, दूसरे को अगर उसका उसका जो रक्त है अगर दूसरे को दिया जाता है तो उसमें भी हो जाता है, उसके द्वारा भी फैलता है। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति को अगर स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए अथवा गर्भावस्था में रोगी माता से अथवा शिशु को स्तनपान द्वारा भी ये रोग फैल सकता है। हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिसमें हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, इसलिए कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा भी संचारित यानी कि फैलते हैं। ये जंतु रोगाणुओं संक्रमण करने वाली कारक को रोगी से लेकर अन्य नए पड़ोसी तक पहुंचा देते हैं, अतः ही मध्यस्थ का काम करते हैं, जिन्हें हम लोग रोग वाहक यानी कि वेक्टर कहते हैं। सामान्य रोग वाहक का मच्छर एक उदाहरण ले सकते हैं। मच्छर बहुत सी ऐसी स्पीसीज जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है जिससे वे परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सकें। मच्छर अनेक समतापी प्राणियों जिसमें मनुष्य भी शामिल है पर निर्वाह करता है, इस प्रकार वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग को फैलाते भी हैं। देख लीजिए रेबीज से संक्रमित पशु ये मानव को अगर एक कुत्ता मानव को काट लेता है तो रेबीज आपने सुना होगा, कीट भी, मच्छर, भोजन के द्वारा भी, परोक्ष संपर्क वायु द्वारा व्यक्ति के संपर्क से फैल सकते हैं, रोग संक्रमण के सामान्य तरीके हो गए, ठीक है, इस तरह से फैल सकते हैं एक से दूसरे में। अब बात करते हैं अंग विशिष्ट अथवा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं, पर ये कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म जीव की अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान अंग ऊतक आदि हैं जहां से ये सूक्ष्म जीव जा सकते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग अथवा ऊतक में जाते हैं अथवा भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं? सूक्ष्म जीव के विभिन्न स्पीसीज शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं, ऐसा चुनाव उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि ये हवा से नाक द्वारा प्रवेश करें तो ये फेफड़ों में जाएंगे, ऐसा बैक्टीरिया से होने वाले क्षय रोग में होता है। यदि ये मुंह के द्वारा प्रवेश करें तो ये आहार नाल में रहेंगे, जैसे टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया इसमें शामिल है, अथवा ये यकृत में जाएंगे, जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया के कारक होता है। लेकिन याद रखिए ये सदैव ऐसा नहीं हो सकता है। HIV जो वायरस है जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसिका ग्रंथियों में फैलता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं वे यकृत में जाते हैं, उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं में आते हैं। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर जिसे इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है, लेकिन यह मस्तिष्क को संक्रमित करता है। जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है रोग के लक्षण तथा चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। यदि फेफड़ों पर आक्रमण होता है तब लक्षण खांसी अथवा कम सांस आना होंगे। यदि यकृत पर यह आक्रमण करता है तो पीलिया होगा। यदि मस्तिष्क पर यह आक्रमण करता है तो सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोशी आना, ये सभी लक्षण हो सकते हैं। यदि हम जानते हो कि कौन से ऊतक अथवा अंग पर आक्रमण हुआ है तो उनके क्या कारण हैं, तो हम संक्रमण के चिन्ह अथवा लक्षणों का अनुमान लगा सकते हैं। और डॉक्टर अधिकतर डॉक्टर क्या करते हैं, यही तो करते हैं, देखा होगा आपने। संक्रमक रोग के ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त तो उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमक से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतकों के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म बीजों जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है। नई कोशिकाओं के बनने के विक्रम को शोथ कहते हैं। इस विक्रम के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव जैसे फूलना तथा दर्द होना और सामान्य प्रभाव जैसे बुखार होते हैं। कुछ मामलों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं, उदाहरण के लिए HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार HIV एड्स से
बहुत से प्रभाव इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता है। हल्की खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है। इसी प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाहिका हो सकती है, अतः ये अन्य संक्रमण ही एचआईवी एड्स के रोगी की मृत्यु के कारण भी बनते हैं। हमें यह भी स्मरण याद रखना आवश्यक है कि रोग की तीव्रता ही अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि सूक्ष्म जीव की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम ही होगी। यदि उसी सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होगी कि जीवन को भी खतरा हो सकता है। प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित कोशिका सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। इस विषय में हम इस अध्याय में के अंत में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं उपचार के नियम। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके कुटुंब के सदस्य क्या करते हैं, यानी कि आपका परिवार क्या कहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हैं? उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं? अब तक के ज्ञान के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दे, दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दे। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिसके लक्षण कम होते हैं। लक्षण प्रायः शोथ के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं। हम आराम कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक भी होगी। लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रमक सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होंगे। इसके लिए हमें सूक्ष्म जीवों को मारना ही पड़ेगा। हम सूक्ष्म जीवों को कैसे मारते हैं, आखिर इन्हें खत्म कैसे करेंगे? सूक्ष्म जीवों को मारने की एक विधि है कि औषधियों का उपयोग किया जाए। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। ये वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई अथवा प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं होंगी जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होंगी और अन्य वर्गों में नहीं होंगी। ये प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनाने के विभिन्न चरण अथवा श्वसन को हो सकती हैं। इन मार्गों का उपयोग हम नहीं करते। उदाहरण के लिए हमारी कोशिकाएं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बना सकती हैं जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हो। हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक सकें। ऐसा एंटीबायोटिक से संभव है। इसी प्रक्रिया प्रकार कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती हैं। एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटी बैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। इसका कारण है कि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत ही कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ है यह है कि आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इन सेवाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियां भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए एचआईवी संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि, फिर आपके निवारण के सिद्धांत। अभी तक हमने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति में कोई रोग है तो संक्रमण से कैसे छुटकारा मिल सकता है। संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने की तीन सीमाएं हैं। पहली, यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उनके शारीरिक कार्यों को बहुत हानि होती है और वे फिर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते। दूसरी, यह उपचार में लंबा समय लग सकता है, अतः सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरी हो सकती है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोगों को फैलाने का स्रोत बन जाए। इससे उपयुक्त कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी। इसलिए रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। हम रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं? इसकी दो विधियां हैं, एक सामान्य और दूसरी रोग विशिष्ट। संक्रमण से बचने का की सामान्य विधि है कि रोगी से दूर रहें। इससे हम संक्रामक सूक्ष्म जीवों से बचाव कर सकते हैं। यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं तो हम बड़ी सुगमता होगी। बातोड़ वायु द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए हम खुले स्थानों में रहें और भीड़ भरे स्थानों पर ना जाएं। जलोढ़ यानी कि जल द्वारा फैलना सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम साफ जल पिए। इसके लिए आप पानी में स्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपाय कर सकते हैं। रोग वाहक सूक्ष्म जीव से बचने के लिए हम साफ पर्यावरण में रहना चाहिए।
ऐसे वातावरण में मच्छर उत्पन्न नहीं होते, अर्थात संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने के लिए और भी अन्य सामान्य नियम हैं। नियमों की बात करने से पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं कि जिसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं गया है। प्रायः हम प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी खांसी जुकाम से पीड़ित है तो ऐसा संभव है कि उसके आसपास के विद्यार्थी भी संक्रमित हो जाएं। लेकिन हम सभी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है? इसका कारण है कि हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगाणुओं से लड़ता रहता है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को मार देती हैं। हमारे शरीर में जैसे कि एक ही कोई संक्रमक रोगाणु आता है, ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। यदि उन्हें मार देती हैं तो हम रोग नहीं होता है, हमें रोग नहीं होता है। प्रतिरक्षा कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है, यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित हो जाती है तो रोग की अभिव्यक्ति बहुत कम होगी। अर्थात संक्रामक रोगाणुओं से संक्रमित होने का अर्थ यह नहीं है कि हम कोई विशेष बीमारी होगी। एक सीधा सा मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है, इसे आप आर्मी ले सकते हैं, आर्मी से तुलना कर सकते हैं। कि मान लीजिए कोई आतंकवादी आ रहा है, घुस रहा है, तो एक आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपकी आर्मी मार गिराए उसे। दूसरा क्या है, अगर वो आगे बढ़ता है तो आपको हानि पहुंचाएगा। यही रोग का काम है कि अगर प्रतिरोधक क्षमता तगड़ी है और ये उसे मार गिराती है रोग को, तो वो रोग आपके अंदर नहीं फैलेगा। अगर प्रतिरोधक क्षमता नहीं कर पा रही काम, उस पर हावी नहीं हो पा रही, तो रोग फैलना स्वाभाविक है। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में विस्तृत अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हम पर्याप्त भोजन तथा पोषण प्राप्त ना हो। इसलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकताएं उचित मात्रा में सबके लिए भोजन की उपलब्धता। यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है, इसे भी देख लीजिए। 13.6, अपने मोहल्ले में एक सर्वेक्षण करो। 10 परिवारों से बात करो जिनके रहन सहन उच्च स्तर का हो, जो अच्छी प्रकार रहते हैं, और 10 ऐसे परिवारों लो जो आपके अनुमान के अनुसार गरीब हैं। इन दोनों परिवार में बच्चे होने चाहिए जिनकी आयु 5 वर्ष से कम। प्रत्येक बच्चे की ऊंचाई मापो और आयु लिखो तथा एक ग्राफ बनाओ। क्या वर्ग में कोई अंतर है? हाँ, यदि उनमें कोई अंतर नहीं है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अमीरी गरीबी का कोई महत्व नहीं है? ये संक्रमण से बचने की सामान्य विधियां होती हैं। विशिष्ट विधियां क्या है? ये प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित हैं जो प्रायः रोगाणु से लड़ते रहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इन दिनों सारे विश्व में चेचक नहीं है, लेकिन 100 वर्ष पहले चेचक महामारी बहुत होती थी। ऐसी स्थिति में लोग रोगी के पास आने से डरते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि उन्हें भी चेचक ना हो जाए। चेचक वही है, आप लोग अपनी छोटी माता कहते हैं जैसे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग था जो चेचक से नहीं डरता था। वह वर्ग चेचक के रोगी की सेवा करता था। यह वह वर्ग था जिसे बहुत भयानक चेचक हुआ था, लेकिन फिर भी जीवित रहे। लेकिन उनके शरीर पर चेचक के बहुत से दाग थे। अर्थात ये आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की यह विधि है। ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इनका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है, यानी कि इनसे परिचित हो जाता है। इस प्रकार जब वह रोगाणु या उससे मिलता जुलता है रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है। एक तरह से आप इसे सीधा सा समझ सकते हैं कि आपकी किसी से दुश्मनी हो गई, वो आपको एक बार हानि पहुंचा चुका है, तो आपने उसे पहचान लिया है। जब भी आप दोबारा वो मिलेगा तो आप उसे पहचान जाएंगे, उससे दूरी बना लेंगे, ठीक है, या फिर उसे आप उसकी आदत को पहचान जाएंगे, उससे निपट लेंगे। हम कह सकते हैं कि टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। वह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं या वास्तव में रोग नहीं करते, या वास्तव में रोग करने वाले रोगाणुओं को उनके बाद रोग करने से रोकते हैं। आपने बचपन में एक रोग पोलियो का टीका लगवाया होगा।
इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता डाल दी गई है कि अगर आपको आगे कभी जाकर पोलियो होता है तो वो आप पर हावी नहीं होगा और उसे खत्म कर देगी आपकी प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरक्षा, परंपराओं के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सीय तंत्र में कभी कभी जानबूझकर चेचक से पीड़ित व्यक्ति अथवा स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ते थे। उन्हें इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण से चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेंगे। 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिसका नाम एडवर्ड जेनर था ने पता लगाया कि ग्वाले जिन्हें गो चेचक हुई है उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। गो चेचक मंद रोग है। जेनर ने जानबूझकर लोगों को गो चेचक दिया जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। इस तरह से इससे उन्होंने पाया कि अब भी लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं। इसका कारण है कि यह चेचक का बैक्टीरिया गौ चेचक के वायरस का निकट संबंधी है। लेटिन में काऊ यानी कि गाय का अर्थ है वक्का, काऊ पॉक्स, गौ चेचक अर्थात अर्थ होता है इसका वैक्सीनिया। इस आधार पर वैक्सीन अथवा टीका शब्द आया जिसका हम आजकल उपयोग करते हैं। और आपने सुना होगा कि यही व्यक्ति थे आपके जैनल साहब जिन्होंने टीका की खोज की थी, एडवर्ड जेनर। ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध हैं जो संक्रामक रोगों का निवारण करते हैं और रोग निवारण का विशिष्ट साधन प्रदान करते हैं। टिटनेस, डिप्थेरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो आदि के टीके उपलब्ध हैं। यह बच्चों के संक्रामक रोगों की रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम चलते रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जब कि ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं सभी बच्चों को प्राप्त हों। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जिसमें पीलिया होता है पानी द्वारा संचालित होता है यानी कि पानी के द्वारा ये फैलता है। हेपेटाइटिस ए के लिए टीका उपलब्ध है लेकिन देश के अधिकांश भागों में जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हो जाती है तब वह हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षी हो चुका होता है। इसका कारण है कि वह पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुका हो। इन परिस्थितियों में आप टीका लगवाएं। यहाँ देख सकते हैं क्रियाकलाप 13.7 संक्रमित कुत्ते अथवा अन्य जंतुओं के काटने से रेबीज वायरस फैलता है। मनुष्यों तथा जंतुओं दोनों के लिए प्रति जैविक टीके उपलब्ध हैं। पता करो कि आपके पास पड़ोस में स्थानीय प्रशासन रेबीज को फैलने से रोकने के लिए क्या कर सकता है। चलिए तो आपने आखिर इसमें क्या क्या पढ़ा है इस अध्याय में और पढ़ने का उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सामाजिक जीवन की एक समग्र समन्वित अवस्था है। किसी का स्वास्थ्य उसके भौतिक पर्यावरण और आर्थिक अवस्था पर निर्भर करती है। रोगों की अवधि के आधार पर इसे तीव्र या फिर दीर्घकालिक दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। रोग के कारक संक्रमक भी हो सकते हैं और असंक्रमक भी हो सकते हैं। संक्रमक कारक जीवों के विभिन्न वर्ग से हो सकते हैं। ये एक कोशिक, सूक्ष्म जीव अथवा बहुकोशिक भी हो सकते हैं। रोग का उपचार उसके कारण रोगाणुओं के वर्ग के आधार पर किया जाता है। संक्रमक कारक वायु, जल, शारीरिक संपर्क अथवा रोगवाहक द्वारा फैलते हैं। रोगों का निवारण सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा है। संक्रमक रोगों का निवारण जन स्वास्थ्य स्वच्छता विधियों द्वारा किया जा सकता है जिससे संक्रमक का कारक कम हो जाते हैं। टीकाकरण द्वारा संक्रमित रोगों का निवारण किया जा सकता है। संक्रमित रोगों के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता तथा टीकाकरण की सुविधा सभी को उपलब्ध रहे। ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग और PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, ठीक है? चलिए तो हम मिलते हैं अगले अध्याय में, 14वें अध्याय में बात करेंगे प्राकृतिक संपदा के बारे में, ठीक है?